हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में हम मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जितने भी बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाले हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। फीटल स्कल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते आना चाहिए। फीटल स्कल में जितने भी एरियाज रहते हैं आपको सारे एरियाज पता रहना चाहिए, सूचर्स पता रहने चाहिए, जितने भी फंटनल्स हैं, एंटीरियर फंटनल, पोस्टीरियर फंटनल्स, आपको फंटनल्स अच्छे से पता रहने चाहिए। उनके शेप कौन कौन से हैं, एंटीरियर फंटनल का शेप, पोस्टीरियर फंटनल का शेप आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। फीटल स्कल में जितने भी डायमीटर्स हैं आपको सारे डायमीटर्स अच्छे से लर्न कर लेना है। लॉन्गेस्ट डायमीटर कौन सा होता है वो भी आपको पता रहना चाहिए, और डायमीटर का क्या क्या मेजरमेंट है आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से पता रहनी चाहिए। आपको फीटल स्कल जो है वो दे दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि इसे पूरा एक्सप्लेन करके दिखाइए, तो आपको एक्सप्लेन करते बनना चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस भी आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। ट्रू पेल्विस, फॉल्स पेल्विस आपको पता रहना चाहिए। फीमेल पेल्विस में जितने भी डायमीटर्स होते हैं आपको सारे डायमीटर्स पता रहना चाहिए। जितने भी मेजरमेंट हैं डायमीटर्स के आपको मेजरमेंट पता रहना चाहिए। इसमें भी आपको लॉन्गेस्ट डायमीटर कौन सा होता है वो भी आपको पता रहना चाहिए। टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस आपको पता रहना चाहिए। जो है आपको फीमेल पेल्विस दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको एक्सप्लेन करके बताइए स्ट्रक्चर को पूरा, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन करते आना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ ऑब्स्टेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स पता रहने चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सप्लेन करते आना चाहिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी रहनी चाहिए। सपोज़ आपके सामने एपिसियोटॉमी सीजर अगर रखी है या आपसे जो भी एक्सटर्नल है वो पूछ लेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो आपको उस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करते आना चाहिए। फिर नेक्स्ट वन है ऑब्स्टेट्रिकल ड्रग्स। ऑब्स्टेट्रिकल ड्रग्स आपको पता रहनी चाहिए, उनके डोज पता रहने चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर फॉलो होता है, जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन सिफेलिक प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं, आपको मैकेनिज्म ऑफ लेबर अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का आप लोगों को शेप, वेट एंड फंक्शंस पता रहने चाहिए। आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है कि प्लेसेंटा का शेप क्या होता है, कितना वेट रहता है प्लेसेंटा का, प्लेसेंटा के क्या फंक्शंस होते हैं, तो आप लोगों को प्लेसेंटा भी अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज एपिसियोटॉमी। एपिसियोटॉमी के टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, जितने भी टाइप्स हैं तो आप सारे टाइप्स अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एपिसियोटॉमी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज नॉर्मल लेबर। नॉर्मल आप लोगों से नॉर्मल लेबर पूछ सकते हैं। नॉर्मल लेबर में आपसे पूछ लिए जाएंगी स्टेजेस, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, किस स्टेज का कितना ड्यूरेशन होता है, लेबर भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ क्या होता है आपको पता रहना चाहिए। ग्राफ आपके सामने भी रखा रह सकता है, आपको उसे एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि आप उसे किस तरीके से फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट दैट इज एंटीनेटल केयर। आपको कैसे एंटीनेटल केयर देंगे आपको ये भी पता रहना चाहिए। एंटीनेटल एक्सरसाइज आपको पता रहनी चाहिए, कौन कौन सी एंटीनेटल एक्सरसाइज हम पेशेंट को दे सकते हैं। ये वाले सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोगों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये वाले क्वेश्चंस सभी स्टूडेंट्स से जो है पूछ लिए जाएंगे। फिर उसके बाद जो आप लोगों को आंसर शीट दी जाएगी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, जो कॉपी दी जाती है आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को एक डिसीज कंडीशन लिखनी रहती है पेशेंट की। आपको एक पेशेंट दे दिया जाता है कि जैसे कि आपने पहले भी अपने एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल दिए होंगे, तो आपको जो कॉपी दी जाती है जिसमें आप केयर प्लान बनाते हैं किसी एक पर्टिकुलर डिसीज में, तो आपको जो भी कंडीशन दे दी जाएगी आपको उसके बारे में पूरी डिटेल पता रहनी चाहिए। सपोज़ कि यदि आपको पेशेंट मिला है एक टॉपिक प्रेगनेंसी वाला, तो आपको उसका पूरा डिटेल पता रहना चाहिए। टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, उसके क्या कॉजेज होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, पूरा आपको हर चीज़ उसके बारे में पता रहना चाहिए। एबॉर्शन पूछ लिया जाता है, एबॉर्शन के टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज,
प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, एक्लेम्पशिया, प्रीएक्लेम्पशिया, आप लोगों को ये सारे जितने भी कंडीशन है आपको जो जन दी जाएगी उस कंडीशन से आपको कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। आपकी सीज कंडीशन आपको दी गई है तो उस कंडीशन के बारे में आपको पूरी जानकारी रहनी चाहिए। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के डिसीज कंडीशन वाले पोर्शन से हो जाएंगे, और ये वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन आपको सभी स्टूडेंट को पढ़ना है, सभी स्टूडेंट को अच्छे से लर्न करके रखना है। ये क्वेश्चंस तो हर स्टूडेंट को पता रहने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो मैं हमने मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।